हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं खेमराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों बहुत दिन हो गए हैं, कोई वीडियो नहीं आया है, तो दोस्तों फाइनली हमारी रेलवे में ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो मेरा एक्सपीरियंस यहां पर आपको शेयर करूंगा। आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन यहां पर मिलेगा कि यहां पर क्या क्या प्रोसेस हुए हैं, कैसे कैसे, और वर्तमान में हमारा क्या प्रोसेस है और आगे हम कहां पर हम जाने वाले हैं उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपसे बस निवेदन है, आप हमारी इस पाठशाला पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारी पाठशाला से। दोस्तों हमें यहाँ पर 19 तारीख को रिपोर्ट करना था। मैं आपको बता दूँ, मुझे DRM अजमेर मिला था और DRM अजमेर के तहत मुझे रानी स्टेशन में रिपोर्ट करना था। तो रानी स्टेशन जो ADN ऑफिस मारवाड़ ADN के अंदर आता है, जो ADN ऑफिस होता है वहाँ पे मारवाड़ के अंदर ही आता है, और यहाँ पर करेंटली हम यहाँ पर रानी स्टेशन के अंदर हैं। हालाँकि हमें जो वर्क दिया गया है वो यहाँ पर जवाई बांध एक स्टेशन करके है, वहाँ पर हमको दिया गया है। तो अभी फिलहाल हमारी 7 days की यहाँ पर ट्रेनिंग होने वाली है। तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले 19 तारीख को जो हमको बुलाया गया, तो हम 18 को दोपहर को 3 बजे यहाँ पर आ गए थे, जो मारवाड़ जंक्शन है वहाँ पे। और फिर यहाँ के मारवाड़ के हमारे दो सब्सक्राइबर थे, भाई थे, और उनकी सहायता से हमारे रहने की व्यवस्था यहाँ पर हो गई थी। जो रेलवे के रनिंग स्टाफ के लिए जो व्यवस्था की जाती है उनमें हम रहे थे, और यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी बहुत ही अच्छे हैं। तो वहाँ पर हम रहे और मारवाड़ जंक्शन पे 19 को हमने अपने डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर दे दिए, जो भी मंगाए थे उन्होंने। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट देने के बाद हमको शाम को यहाँ पर फ्री कर दिया गया, और हमको ट्रेवल पास दे के और हमको रानी स्टेशन आने के लिए बोला कि कल आपको रानी स्टेशन आना है। हम यहाँ पर उतर चुके हैं रानी स्टेशन पे, रानी स्टेशन पर उतर चुके हैं, और सारे के सारे हमारे भाई इधर भटक रहे हैं। अबे किधर भटक रहे हो? हाँ वीडियो। अभी सारे के सारे ऐसे लग रहे हैं कि सारे के सारे बाराती हो, बारात में आए हो सारे के सारे। तो आज यानी कि 20 तारीख को 20 अप्रैल 2021 को हम रानी स्टेशन पर आ चुके हैं। तो आज हम जहाँ पर आए, तो पहले तो हमें हमारी अटेंडेंस हुई, और फिर जो फोटोग्राफ्स हैं मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो यूनियन के जो कुछ मेंबर्स थे उनके द्वारा हमारे और हमारी टीम का यहाँ पर स्वागत किया गया, हमने भी उनका स्वागत किया। और फिर यहाँ के जो PWI हैं उन्होंने हमको इंस्ट्रक्शन दी, हमको बताए कि आपको क्या क्या करना है ना, कि रेलवे में क्या चीज़ें होती है, कौन सा पार्ट कहाँ काम आता है। पहले सबसे बड़ी चीज़ है आपकी खुद की सुरक्षा, जब आप ट्रैक पर चलते हो है ना, तो खुद की सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है ना, काम बाद में लेकिन खुद की सुरक्षा पहले है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमको बताई हैं कि आपका जो रेल क्या होता है, उसके अलावा आपके जो इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं, आपके जो ट्रैक होते हैं उनको ज्वाइन करने में, और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो हमको यहाँ पर बताई हैं। तो अभी 5-7 दिन हम यहीं रहने वाले हैं, और 5-7 दिन यहाँ रहने के बाद फिर हमको जो हमारा स्टेशन अलॉट किया गया, सभी जो हम साथी हैं अराउंड 26-27 हम साथी हैं जो अभी फ़िलहाल मारवाड़ नहीं, यहाँ पर रानी स्टेशन पर रुके हुए हैं। तो यहाँ पर उसके बाद में हम जाएंगे अपने अपने स्टेशन जो अलॉट कर रखे हैं। मुझे जवाई बांध दिया गया है, तो जवाई बांध हमको जाना होगा 5-7 दिन की ट्रेनिंग के बाद। तो इस प्रकार से दोस्तों बस यही है, देखो मेरा आपका मेरा मोटिव यही है आपको कि तैयारी कीजिए। मेरे अनुसार कोई भी जो बना छोटी नहीं है, ठीक है। इंडियन रेलवे में जो एज ए ट्रैक मैन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 40% लोग इंडियन रेलवे में ग्रुप डी में ट्रैक मैन के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो ट्रैकमैन एक प्रकार से मान सकते हैं, अगर ट्रैकमैन ही नहीं है तो आप मान के चलिए कि भाई इंडियन रेलवे सुचारू रूप से नहीं चलेगा। इंडियन रेलवे को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैकमैन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कहाँ पर ट्रैक का मेंटेनेंस करना ही ट्रैकमैन का काम होता है। अगर ट्रैक सही नहीं है, मान लीजिए जैसे हमको बताया गया कि ट्रेन जो होती है उनकी पटरियों के बीच गैप क्यों रखे जाते हैं, गैप इसलिए रखे जाते हैं ताकि गर्मियों में उसका जो प्रसार होता है ना, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हमको बताई गई हमारे जो PWI हैं उनकी तरफ से, और बाकी जो चीज़ें हैं धीरे धीरे हमको यहाँ पर बताई जाएंगी, और भी चीज़ें हैं। तो मेरा मोटिवेशन आप सभी को यही है गाइस, कोई भी जॉब छोटी नहीं है, एक बार आप रेलवे में एंटर हो जाइए। ग्रुप डी के आपके लिए एक बहुत ही शानदार मौका है ना, 1,03,000 बहुत सारी वैकेंसीज हैं, और तो ये दोस्तों आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रेलवे में एंटर करने का। बाकी अगर आप में टैलेंट होगा तो आप GDC के थ्रू LDC के थ्रू गाइस प्रमोशन ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों फिलहाल आपको पता है इस दौर में ना इतनी बेरोजगारी है,
कि आजकल आपको पता होगा कि प्राइवेट जॉब तो खैर है ही, लेकिन सरकारी जॉब की इतनी ज़्यादा रिक्रूटमेंट है बहुत ज़्यादा। जैसे मैं ग्रुप डी की बात बताऊं तो ग्रुप डी में 2018 में 1.87 करोड़, यानी कि लगभग 2.25 करोड़ में से हम करोड़ों की संख्या में से लाखों और लाखों की संख्या में से हज़ारों सेलेक्ट होकर यहाँ पर आए हैं। यानी कि करोड़ों की संख्या को कम करके हम हज़ारों की संख्या में 62,907 भर्ती थी उनमें हम आए हैं। तो सोचो कि कितना कंपटीशन है ना, तो कोई जॉब छोटी नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ जो चीज़ें मिली हैं वो चीज़ आपको जो आपको हम जब हमको ज्वाइन किया तो हमने अपने पद की गोपनीयता की शपथ भी ली थी वहीं जो ईडीएन ऑफिस है वहाँ पर, ठीक है, कि हम यहाँ पर घोषणा करते हैं कि हम अपने जो भी पद है उसका बिल्कुल ईश्वर की शपथ लेते हुए हमने घोषणा की है कि जो भी हमको पद मिला है उसकी गरिमा बनाए रखेंगे और जो भी काम दिया है उसको हम पूरे निष्ठा के साथ करेंगे, ठीक है। तो बस मेरा मोटिवेशन आपको यही है, पढ़ते रहिए गाइस। फिलहाल आपको पता होगा जैसे अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो कोविड की सेकंड लहर के कारण आपकी जो एग्ज़ाम है थोड़ी बहुत लेट होंगी, डिले होंगी। तो बस यही है, आपको थोड़ा टाइम और मिल गया है, लेकिन दोस्तों एक निश्चित टाइम भी होता है एग्ज़ाम में। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं भाई ये जो करंट सिचुएशन है ना इसमें टाइम लगता है। देखो मैं आपको बताऊं 2018 वाली भर्ती थी और 2021 में मुझे ज्वाइनिंग मिली, मतलब 3 साल हो गए हैं, है ना। अब आपकी जो 2019 वाली भर्ती है ना, अब उसको 2 साल हो गए एग्जाम नहीं हुआ है। अब क्या करें दोस्तों, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि टाइम तो लगता ही है, 3-4 साल तो आप मान के चलो लग जाते हैं हर चीज़ में, ठीक है। तो लास्ट में मेरा मोटिवेशन आपको यही है कि गाइस मेहनत करिए, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। और आज आप मेहनत करोगे ना, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना आपको खुद को फील होगा गाइस, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको डराते हैं कि ट्रैकमैन ये है, ग्रुप डी में कुछ नहीं रखा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अगर ग्रुप डी वाले ही नहीं रहेंगे ना तो जो ट्रैक है उसका संचालन नहीं हो सकता, और ट्रैक का ही संचालन नहीं हुआ तो जो लाखों करोड़ लोग डेली इंडियन रेलवे से ट्रैवल कर पाते हैं ना वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ये एक प्रकार से आप मान लीजिए जैसे एक फौजी जो होता है बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करता है, वैसे ही अगर ट्रेन जो चलेगी ना, ट्रेन अगर चल पाती है तो सिर्फ ट्रैकमैन की वजह से चल पाती है, आप मान के चलिए। अगर ट्रैक का मेंटेन ही नहीं हो पाएगा, है ना, उसमें क्या गड़बड़ी है उसका पता नहीं लगेंगे तो ट्रेन के एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अभी मान के चलिए आपको देश सेवा करने का मौका मिला है, ठीक है। अगर आप एज ए ट्रैकमैन यहाँ पर सेलेक्ट होते हो, और सभी मेरे ट्रैकमैन भाई हैं उनको मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई जॉब छोटी नहीं होती है, ठीक है। जो भी जॉब आपको मिली है, जो भी आपको काम मिला है, पूरी निष्ठा से और पूरे लगन के साथ आप उस काम को कीजिए, ओके। आप सभी को मेरी दुआएं हैं कि आप जो एग्ज़ाम आपके 2019 की उसमें अधिक से अधिक मेहनत कीजिए और फाइट कीजिए एग्ज़ाम को और सिलेक्शन लीजिए, और बाद में अगर आप में काबिलियत है तो आप जीडीसी एलडीसी थ्रू जो अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, गुड गार्ड्स, स्टेशन मास्टर, इनमें आसानी सेलेक्ट हो सकते हैं, ओके। इसी आशा के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अभी सारे के सारे ऐसे लग रहे हैं कि सारे के सारे बारात ही हों, बारात में आए हो सारे के सारे।